डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के किस तरह से प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो हमें ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, कि ये यहाँ पर अनवाइंडिंग की वजह से होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की वजह से होगा, और जो रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है वो पाँचवें से तीसरे की तरफ होती है। और डीएनए रेप्लिकेशन, जैसा कि हमने देखा था कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, जैसे कि हमने मैसेलसन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से देखा था, और ये एक स्थल पर होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इस तरह से अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे ज़्यादा जो स्टडी हुई है वो ईकोलाई में हुई है। ईकोलाई में किस तरह से हमारा डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, जो प्रोसेस, उसमें पाँच तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये पांच एंजाइम हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। उसमें से जो पहला है वो सबसे पहले आइसोलेट हुआ था, और ये जो एंजाइम है ये पोल ए जीन के द्वारा एनकोडेड है, और ये जो है वो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी को संपन्न करता है। जब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज टू की, तो ये जो एंजाइम है इसकी एनकोडिंग पोल बी जीन से होती है, और ये 3:5 अर्थात प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को इनिशिएट करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो जो प्रिंसिपल रेप्लिकेशन एंजाइम है, और जिसको की कोडिंग होती है जीन पोल सी से, और ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज़ तो इसमें होती हैं, और इसमें हाई प्रोसेसिविटी हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से है डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और फिफ्थ, जो कि डीएनए रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो जो प्रोकैरियोटिक जो जंतु हैं उसमें जो ये रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो तीन स्टेप्स में इनिशिएट होता है, और ये तीनों स्टेप्स इनिशिएशन, एलोंगेशन और जो टर्मिनेशन है, इसमें मुख्य भूमिका हमारे पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम निभाते हैं, जो कि होलो एंजाइम है, जो कि कॉम्प्लेक्स है, और ये सिंथेसाइज करता है, नए नए बेसिस को डालता है, और जो बेसिस जो नए निर्मित होते हैं उनकी जो दर होती है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड होती है। और जैसे जैसे रेप्लिकेशन प्रोग्रेस करता है, तो ये जो रेप्लिकेशन जो अपैरेटस है इसको हम कहते हैं रेप्लिजोम, ये आगे की ओर मूव करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो अराइव करता है आरएनए प्राइमर के पास में और शुरू करता है रेप्लिकेशन को, और उससे जो एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा, 3-hydroxyl जो समूह है वहाँ पे होगा प्राइमर के। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो सिंथेसाइज करेगा आपके डीएनए स्ट्रैंड्स को, इसकी हाई प्रोसेसिविटी होती है अर्थात सिंथेसिस बहुत फास्ट होता है, और ये जो हाई प्रोसेसिविटी होती है ये इसके कुछ संरचनात्मक इकाइयों के द्वारा होती है, जिसमें जैसे कि उसमें उपस्थित होती हैं बीटा क्लैम्प्स जो कि होल्ड करके रखती हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह से आपके डीएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें बीटा क्लैम्प उपस्थित होते हैं, कोर कॉम्प्लेक्स होता है और गामा कॉम्प्लेक्स इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो असेंबलीज हैं ये बीटा स्लाइडिंग क्लैंप की वो प्रोसेसिविटी फैक्टर और क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये जो डीएनए जो पॉलीमरेज थर्ड है ये सबसे ज़्यादा जटिल प्रकार का एक एंजाइम है, जिसके कि 10 सब यूनिट्स की खोज करी जा चुकी है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 900 किलो डेल्टन्स तक होता है। ये एसिमेट्रिक डाइमर के रूप में उपस्थित होता है, इसमें गामा कॉम्प्लेक्स होता है और एक कोर कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी जो 10 सब यूनिट हैं वो मिलके इसको एक होलो एंजाइम बनाती हैं। इसकी खोज कॉरनबर्ग और ग्राफ्टर ने 1970 में की थी, और जैसा कि हमने पहले देखा कि इसकी बहुत हाई प्रोसेसिविटी होती है अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स एडिशन की जो कैपेसिटी होती है ऐड करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या होलो एंजाइम है, इसमें आप देखते हो कि इसकी कोर यूनिट या गामा कॉम्प्लेक्स यूनिट दो यूनिट्स के रूप में ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो कॉम्प्लेक्स जो मशीनरी जो इसके द्वारा संपन्न होती है उसमें कई तरह के प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हेलिकेजेस, आरएफसी, पीसीएनए, गायरेजेस, एसएसबीज, डीएनए। और ये जो हैं यहाँ पे ऊपर की ओर जो कोर जो है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे
कोर पॉलीमरेज में आपके थीटा ग्रुप इन्वॉल्व है जिसकी कि दो इकाइयां हैं, उसी तरह से एप्सिलॉन है जिसकी कि दो इकाइयां हैं, अल्फा है इसकी भी दो इकाइयां हैं, और अगर हम गामा कॉम्प्लेक्स में बात करें तो इनकी और सारी स्टेबल टेम्पलेट बाइंडिंग की इकाइयां हैं, क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स की इकाइयां हैं जो कि लोड करती हैं बीटा सब यूनिट क्लैंप को लैगिंग स्ट्रैंड में हर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट में। तो इस तरह से जो बीटा जो सब यूनिट है वो डेफिनेट शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड करता है इसकी प्रोसेसिविटी को। नाउ कमिंग टू द एंजाइम्स एंड द प्रोटीन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, कि किस तरह से ये जो रेप्लिकेशन है इसमें बहुत तरह के और भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हेलिकेज। हेलिकेज अनवाइंडिंग का काम करता है, स्ट्रैंड को सेपरेट आउट करने का काम करता है, इसमें इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें हेलिकेज का, तो इसमें आप देखते हो कि इसमें A1 A2 दो सब यूनिट्स होती हैं, B1 B2 दो सब यूनिट्स होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके चार डोमेन्स हैं A1 A2 B1 एंड B2। और ये जो A1 है वो ATP बाइंडिंग साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें एक पी लूप होता है। उसी तरह से अगर हम B1 की बात करें तो वो सिमिलर टू A1 है लेकिन उसमें पी लूप नहीं होता है। A1 और जो B1 डोमेन है वो बाइंड करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA को, और ये जो बाइंडिंग होती है ATP की एट ATP बाइंडिंग साइट, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं पी लूप में। इस तरह से हेलिकेज जो है वो अनवाइंडिंग करता है डबल स्टैंडर्ड DNA का। और दूसरा जो है टॉपियो आइसोमेरेजेस एक तरह के न्यूक्लियसेस हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को DNA स्ट्रक्चर में, और ये रिलैक्स अवस्था में या सुपर कॉयल फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये जो दो अवस्थाएं होती हैं इनको हम टॉपो आइसोमर्स कहते हैं। पहला जो टॉपो आइसोमेरेज है उसकी डिस्कवरी जेम्स वैंग ने की थी 1971 में, इकोलाई में की थी। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो टॉपो आइसोमेरेज दो तरह के होते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ऑफ टॉपो आइसोमेरेज। टॉपो आइसोमेरेज फर्स्ट जो होता है वो क्लीव करता है एक स्ट्रैंड को DNA में और पास करता है दूसरे स्ट्रैंड में बिना उसको तोड़े हुए, और बाद में वो जुड़ जाता है जिससे कि रिलैक्सेशन होता है एक ट्विस्ट में, इसलिए ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टॉपियो आइसोमेरेज जो सेकेंड होता है वो दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक करता है और दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स पास आउट थ्रू होते हैं, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से टॉपियो आइसोमेरेज फर्स्ट और टॉपियो आइसोमेरेज टू जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टॉपोलॉजिकल स्ट्रेस को वो रिलीव करते हैं अनवाइंडिंग में। उसी तरह से होते हैं हमारे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, या हम इनको कहते हैं SSBs या RNA प्राइमर, जो कि प्राइम मेज के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है RNA पॉलीमरेज की, और उसी तरह से ज्वाइनिंग का जो काम होता है वो होता है DNA लाइगेज के द्वारा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेप्लिकेशन जो होता है वो तीन पदों में होगा, बाई डायरेक्शनल जो रेप्लिकेशन होगा वो एक स्थल पर होगा, और वो जो स्थल होगा उसको हम ओरिजिन प्लेस कहते हैं या ORIC कहते हैं। इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन इसके मुख्य स्टेप्स हैं। और अगर हम इन स्टेप्स को देखें तो इनिशिएशन जो है वो ORIC में जो एज्यूम होता है तो वो रिक्वायर करता है सेवरल प्रोटीन या फैक्टर्स, और ये हैं DNA प्रोटीन्स, DNA B प्रोटीन्स, और आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है DNA C प्रोटीन्स की। उसी तरह से प्राइमेज, SSBs, गायरेजेस और डैम मिथाइलेजेस की इसमें आवश्यकता होती है। अगर हम DNA A की बात करें तो ये रिकग्नाइज करता है ओरिजिन के प्लेस को, इसकी एक ही इकाई होती है। DNA B जो होती है वो जो होता है वो अनवाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। DNC जो होता है वो हेल्प करता है DNA B को बाइंडिंग करने के लिए। HU भी होता है इसमें, हिस्टोन यूनिट के लिए होता है जो कि स्टिमुलेट करेगा इनिशिएशन को। DNAG प्राइमेज सिंथेसाइज करता है RNA प्राइमर को। SSBs जो होते हैं वो बाइंड करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA को, स्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉपियो आइसोमेरेज सेकेंड जो है वो रिलैक्स करेगा स्ट्रेस को। RNA पॉलीमरेज हेल्प करता है DNAG को प्राइमिंग में, और डैम मिथाइलेज जो है वो मिथाइलेशन को, मिथाइलेज 5-bases को ORIC रीजन में जहाँ पे कि GATC प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें कि जो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो 245 बेस पेयर्स लॉन्ग एक स्थल पर इनिशिएट होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे टेंडम रिपीट्स होती हैं।
अर्थात लेफ्ट और राइट साइड में हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस होंगी जो कि ए टी रिच रीजन होंगी, अर्थात आपके 13 बेसेस होंगे जो कि लेफ्ट साइड में होंगे, इनके 3 रिपीट्स होंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 13-13 बेस पेयर्स के। उसी तरफ हम राइट साइड में देखते हैं कि यहाँ पे 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस होती हैं जो कि बाइंड करेंगी डीएनए प्रोटीन से, और यहाँ पे उनकी जो रिपीट्स होंगी 9 बेस पेयर्स की वो होंगी आपके 4 प्लेसेस पे, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब राइट साइड में 4 जगह पर 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस रिपीट हो रही हैं, और लेफ्ट साइड में टेंडम रिपीट्स होती हैं 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस की। और अगर हम इसकी पूरी लंबाई देखें तो ये 245 बेस पेयर लॉन्ग होता है। अब एक तरफ तो हम मान लीजिए कि आपने कहा कि 3 जगह पे ये 13 बेस पेयर रिपीट हो रहे हैं, तो मान लीजिए इट इज़ एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई जेड हो गए आपके लेफ्ट साइड में, और फिर आपके राइट साइड में क्या है, 4 आपके सीक्वेंसेस हैं 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस जो कि आपकी रिपीट हो रही हैं ऑन योर राइट साइड। फिर क्या होगा कि आपका जो डीएनए जो 20 मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर जैसे ही ये 20 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो रैप्ड हो जाएंगे 4-9 बेस पेयर रिपीट से, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स है वो 13 बेस पेयर के पास में आ जाएगा। अगर हम कोई लंबी चीज़ को घुमा दें और उसके अंदर हम कोई चीज़ एंटर करा दें तो क्या होगा, आपके एक्स वाई जेड किसके क्लोज आ जाएंगे, आपके 13 बेस पेयर्स के निकट आ जाएंगे। उसके बाद में डीएनए जो है वो रिकग्नाइज करेगा साइट को और अपने ओपन करेगा अपने ड्यूप्लेक्स को 13 बेस पेयर रिपीट्स को, और ओपनिंग के बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से डीएनए सी जो है वो फ्री हो जाएगा, जैसे कि डीएनए बी जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ पे डीएनए बी और डीएनए सी यहाँ पे दोनों आएंगे, लेके आने का काम करता है डीएनए सी। अब डीएनए के साथ में डीएनए बी जुड़ जाएगा, डीएनए बी बाइंड करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद में SSBs जो हैं वो बाइंड करेंगी इसके साथ में, बाइंडिंग से क्या होगा, प्रिवेंशन होगा ड्यूप्लेक्स फॉर्मेशन का, और उसके बाद में डीएनए जी प्राइमेज उससे आकर जुड़ जाता है जिससे कि बाइंडिंग होती है ओरिजिन साइट में, सिंथेसिस होता है स्मॉल पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इस तरह से ये संपन्न होता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो इनिशिएशन जो प्रोसेस है इसमें डीएनए पॉलीमरेज ही है जो एग्जिस्टिंग प्राइमल स्ट्रैंड्स को सिंथेसिस के लिए कैटलाइज कर सकता है प्राइमेज के द्वारा। और हमने ये भी देखा कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है टू रेप्लिकेट क्रोमोसोम इज अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स, एंड जनरेशन टाइम जो होता है वो नियरली 20 मिनट्स का होता है। तो इस तरह से हम प्रश्न के रूप में हम ये भी आ सकता है कि भी ATP हाइड्रोलिसिस क्यों रिक्वायर्ड होता है अनवाइंडिंग में, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो नीडेड होती है मेल्ट डाउन करने के लिए डीएनए को, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि उनकी लिंकिंग है, दे आर लिंकिंग नाइट्रोजनस बेसिस एडिनो ए विद टी एंड जी विद सी, तो ऐसे काइनेटिक बैरियर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अलग अलग प्रकार के हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, डीएनए बी ए सी, देन यू हैव SSBs जो कि आपके देखा कि लेफ्ट और राइट साइड में टेंडम रिपीट्स हैं, इनिशिएट करते हैं इनिशिएशन को। अब हम बात करें एलोंगेशन की, जो एलोंगेशन है उसका जो कैटालिसिस होता है वो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है जो कि एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक अटैक है 3-hydroxyl ग्रुप ऑफ प्राइमर में, फॉस्फोडाइस्टर जो ब्रिज है उसका फॉर्मेशन होगा जिससे कि रिलीज होगा पायरोफॉस्फेट, कैटालाइटिक मेटल आयन मैग्नीशियम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैग्नीशियम इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल से जिससे कि एक रिड्यूस एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स के बीच में, इसकी वजह से एक न्यूक्लियोफिलिक आपके देखते हो कि आप मेटल आयन्स और ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद अ ट्राईफॉस्फेट जो कि इनकमिंग DNTPs है जो कि न्यूट्रलाइज करेंगे नेगेटिव चार्जेस को। तो जो एलोंगेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम कह सकते हैं इक्वेशन के रूप में कि NMP न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट कितनी टाइप की N की प्लस इन्वॉल्वमेंट DNTPs आर मेकिंग मोर ऑफ DNMP N+1 एंड PPi पायरोफॉस्फेट। एलोंगेशन जो है वो प्रोसीड करेगा पांचवी डायरेक्शन से तीसरी डायरेक्शन की तरफ। अब ये जो कैटालिसिस होगा इसमें जो पायरोफॉस्फेट प्रोडक्ट है वो स्टेबलाइज होगा मेटल आयन से और उसका सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस होगा पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम से। तो हम देखते हैं कि जो पेरेंटल जो स्ट्रैंड है
थ्री टू फाइव में है, तो उसमें आप देखोगे फाइव टू थ्री की डायरेक्शन में आपके प्राइमर ऐड होगा तो वो लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। इसके ऑपोजिट दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो लैगिंग स्ट्रैंड होगा, जिसमें कि डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्थल जो होता है जहाँ पे एलोंगेशन इनिशिएट होता है, दैट इज द रेप्लिकेशन फॉर्म, जहाँ पे रेप्लिकेशन इनिशिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज थ्री डीएनएबी हेलिकेसेस एसएसबीज। तो इस तरह से जो ग्रोइंग जो फॉर्क है उसमें एक स्ट्रैंड लीडिंग और सिंथेसिस जिसमें कंटिन्यूस हो रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, और जिसमें कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस प्रकार का हो रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। जैसे ही आपके हज़ार न्यूक्लियोटाइड्स लीडिंग स्ट्रैंड के रेप्लिकेट हो गए तो फर्स्ट राउंड ऑफ डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड सिंथेसिस शुरू होता है। मतलब हज़ार न्यूक्लियोटाइड्स पहले बन चुके हैं लीडिंग स्ट्रैंड में, उसके बाद में लैगिंग स्ट्रैंड में उनका बनना शुरू होता है। ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं डीएनए के, इनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, जिनका कि सिंथेसिस लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट्स में होता है। जो साइज़ होता है प्रोकैरियोट्स में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का। तो सेमी डिसकंटिन्यूस ये रेप्लिकेशन होता है। अब इसमें प्राइमेज एंजाइम मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। प्राइमेज जो होते हैं वो एक आरएनए प्राइमर को बनाते हैं, जिसका कि एसोसिएशन डीएनए भी हेलिकेसेस के साथ में होता है। और जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है उसमें दो कॉपीज बनती हैं डीएनए पॉलीमरेज के इन्वॉल्व होती हैं, जो कि कंट्रोल करती हैं, अटैच करती हैं, रिमूव करती हैं एंजाइम को टेम्पलेट से। ये जो फंक्शन है इसमें लैगिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन जो होता है उसमें एंजाइम जो हैं वो अटैच या डिटैच करेंगे रिपीटेडली ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में। तो इस तरह से जो ज्वाइनिंग होगी वो डीएनए लाइगेज के द्वारा होगी। तो ईकोलाई में जो कंप्लीशन होता है लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस का रिक्वायर करता है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर फ्रॉम ईच ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट है एलोंगेशन में, किस तरह से हमारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है। नाउ कमिंग टू द टर्मिनेशन प्रोसेस विच इज़ द लास्ट स्टेप इन द डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो बैक्टीरियल जो जीनोम्स जिनका कि रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनली हो रहा है, अब क्या होगा कि जैसे आपका रेप्लिकेशन जो जीनोम टर्मिनेशन पर आ जाएगा तो एक स्थल आता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनस रीजन, जिसमें मल्टीपल कॉपीज होती हैं 23 बेस पेयर सीक्वेंसेस की, जिनको हम कहते हैं TER। TER की 7 लोकेशंस ईकोलाई में स्टडी हो चुकी हैं, इनको कहते हैं टर्मिनस सीक्वेंसेस। और इनमें से जो 7 होती हैं वो बेसिकली रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करती हैं, इनको हम कहते हैं TUS, टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो आपका जो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो टर सीक्वेंसेस हैं वो वर्क करती हैं एज बाइंडिंग साइट्स फॉर द प्रोटीन टस विच स्टॉप्स द डीएनए एबी हेलिकेसेस रिजल्टिंग इन टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो कंप्लीटेड जो क्रोमोसोम है वो पार्टीशन हो जाएगा दो सेल्स में टर्मिनेशन में। तो इस तरह से यू कैन सी द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ इट हैज़ प्रोसीडेड इन द थ्री स्टेप्स इनिशिएशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क है, राइट साइड में आपका पेरेंटल डीएनए है, किस तरह से सही हो गया प्राइमेज का, आरएनए प्राइमर का, आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स का, पॉलीमरेज़ एंजाइम का, और दूसरे आपके हेलिकेसेस एंजाइम्स का, और एक जो आपका स्टैंड है वो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूस है, जिसको हम कहते हैं आपका लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा हमारे 3 स्टेप्स में डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे पूरा होता है। तो इन नॉटशेल हम कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड में डीएनए रेप्लिकेशन हमने देखा प्रोसीड करता है बाई डायरेक्शनली, एक पॉइंट ओरिजिन से ये प्रोसीड करता है। और हम ये भी देखते हैं कि इसमें दो तरह के स्ट्रैंड्स हैं, वन इज़ योर लीडिंग एंड अनदर इज़ योर लैगिंग स्ट्रैंड। और टर जो सीक्वेंसेस हैं उनके द्वारा बाइंडिंग साइट जो हैं प्रोटीन के लिए वो करते हैं TUS के लिए, जिससे कि टर्मिनेशन हो जाता है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। एक ही ओरिजिन है रेप्लिकेशन का पर डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स। आपका ORI जो स्थल है उसमें 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। जो रेप्लिकेशन है डीएनए का वो एक स्थल पर होगा, बाई डायरेक्शनल प्रारूप में होगा। और जो क्रोमोसोम है उनका एक रेप्लिकॉन होता है, एक रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है,
इनिशिएशन जो होता है डीएनए का, इट इज़ डन बाय डीएनए ए एंड डीएनए बी, आल्सो इन्वॉल्वमेंट विद गायरेजेस। और कहा जाके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इस तरह से आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।